जिंदगी बेटा इज फुल ऑफ डॉग्स एंड स्कॉर्पियंस एंड स्नेक्स, ये बिच्छू, ये सांप और ये कुत्ते बिल्ले जिंदगी में रहेंगे बेटा, मगर शेर की शान 10 कुत्तों में, जो मेरे बड़े ने मुझे एक दफा कहा था कि पुत्र 10 कुत्ते भौंक रहे हुई तो 11वां ना बनी। शेर शेर होता है बेटा, वो अपनी खामोशियों से राम करता है सल्तनतों, वो अपनी खामोशियों से मिजाज देता है लोगों को। एक बड़ा इंसान जो माशरों को एक माशरा देके चला जाता है, जो कायनात को अपनी एक कायनात देके जाता है, जो फलसफों को एक तहरीर बख्शता है और इंसानियत को एक तकरीर बख्शता है बेटा, उसकी सबसे बड़ी चीज होती है उसकी खुदी, उसकी मैं। तकब्बुर वाली नहीं मैं, एतमाद वाली मैं, कि मैं हूं, तुम्हारे हाथ का खिलौना नहीं हूं। यू कैन नॉट डिफाइन मी, यू कैन नॉट लिमिट माई पोटेंशियल, यू कैन नॉट लिमिट माई ड्रीम्स। मेरी जीत भी मेरा, मेरी हार भी मेरी, मैं उड़ाऊंगा अपना मजाक, तू कौन होता है मेरा मजाक उड़ाने वाला। आई विल मेक फन ऑफ माई सेल्फ, मैं बर्बाद करूंगा अपने आप को, तू क्या बर्बाद करेगा मुझे, मैं बर्बाद कर देता हूं अपने आप। जब एक इंसान अपने आप से मिल लेता है बेटा, द मोमेंट अ मैन मीट्स हिज ओन सेल्फ, वो लम्हे जब इंसान अपने आप से मिलता है, उस वर्जन से नहीं जो लोगों ने बनाया हुआ होता है, द कॉस्मेटिक यू, जब तू अपने आप से मिलेगा और अपने गंध को एक्सेप्ट करेगा, अपनी हैसियत को कबूल करेगा, अपने अंदर की हर चीज को कबूल करेगा, अच्छे को भी कबूल करेगा, बुरे का भी कबूल करेगा, देन व्हाई द वर्ल्ड मैटर्स। तुझे क्यों चाहिए लोगों की मोहताजी, तुझे क्यों चाहिए लोगों के सजदे, तुझे क्यों चाहिए लोगों की अप्रिसिएशन, तुझे क्यों चाहिए कि लोग बैठ के तेरी तारीफ करें। व्हाई डू यू वॉन्ट पब्लिक रिकग्निशन, व्हाट मैटर्स इज यू, यू आर इंपॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, नॉट मी। मेरी बातों से भी क्यों फर्क पड़ना चाहिए। डर एक नेचुरल पार्ट है, खौफ एक पावरफुल सोर्स है कहीं पहुंचाने का। हम नहीं कहते खौफ निकाल के माइनस करके कोई सर्जरी करके निकाल दें, खौफ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। कभी कभी एक इंसान की तेजी को लगाम लगाने के लिए खौफ अच्छी चीज है। किसी को चढ़ी होती है ना कि मैं फौरन फैसला कर दूं, वहां डर अच्छी चीज है, वो उसके कदम को रोकती है, वो उसकी जज्बातियत को लगाम लगाती है, वो खौफ उसकी 2 रुपए के अंदर, 2 मिनट के अंदर सक्सेस के लैडर पे चलने को लगाम लगाती है। खौफ इज नॉट बैड, खौफ लिमिट्स योर बेढंगापन, खौफ आपकी बद तहजीबी बदतमीजियों को लिमिट लगाता है, यहां तो अच्छा है, मगर वो खौफ जो शक पैदा कर, वो खौफ जो कदम स्ट्रेटेजिकली नहीं पीछे रोके, इसलिए पीछे रोक दे कि लोग क्या कहेंगे, मेरा अपना आप क्या कहेगा, मैं माशरे को फेस कैसे करूंगा, मैं इस एक्सीलेंस के लिए कदम बढ़ाने में ऑफ द ग्रिड रेवर से हट के अगर मैं हट गया पीछे तो लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, बड़ा खौफ यही होता है। उसके बाद एक और खौफ है कि मेरा अपना आप मुझे क्या कहेगा अगर मैंने ये काम कर दिया, आज अगर मैंने वक्त जाया करना बंद कर दिया, पार्टी करनी बंद कर दी और फजूल में टाइम वेस्ट करके फलां दोस्त को खुश करना बंद कर दिया, फलां मुंह को मुंह देना बंद कर दिया, कहीं वो क्या कहे। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा खौफ एक इंसान इंसान को नहीं दे सकता, दुनिया में सबसे बड़ा खौफ इंसान खुद अपने आप को देता है। देयर आर टू बैटल्स इनसाइड यू बेटा, 2 जंगें चल रही हैं तेरे अंदर, एक तेरे अंदर का वो इमाम है जिसके साथ अल्लाह ने तुझे पैदा किया, एक तेरे अंदर की वो हैसियत है जिसके साथ तुझे अल्लाह ने पैदा किया, एक तेरे अंदर वो पहाड़ है, वो आतिशबाज है, वो आग है, वो तूफान है, वो हवाएं हैं तेरे अंदर जो तुझे लेक तो बना था वहां ऊपर जाने के लिए, और दूसरा तेरे अंदर का आप है, इन नफ्सल अमारतुम बिसू के तहत वो तुझे लिमिट करता रहेगा, डराता रहेगा, जलील करता रहेगा, अपनी औकात, अपनी हैसियतें, लोग, माशरा, सोशल कन्फॉर्मिटी सिस्टम, वो तुझे बताता रहेगा औकात में रह, हैसियत में रह, जो लोग हैं वही करना है, और वो तेरी जिंदगी में सक्सेस को, डिग्री, जॉब्स, कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, गाड़ियां, 2 कनाल 4 कनाल 1 एकड़, यही दिखाता रहेगा कि ये नहीं है तो तू खत्म हो जाएगा। सक्सेस की डेफिनेशन इंसान के किरदार का इर्तिफा नहीं है, सक्सेस की डेफिनेशन हिस्सी फिजियोलॉजिकल लिहाज से गाड़ियां, दौलत, पैसा, सोसाइटी, सोशल सर्कल। दुनिया के सबसे बड़े लोग सबसे ज्यादा वक्त अपने आप के साथ गुजारते हैं बेटा, और तू लोगों की परवाह कर रहा है, अपने आप से मुलाकात कर, क्योंकि शुरुआत में भी कोई नहीं होगा और सफर में भी तुझे बाजू नहीं मिलने, ये बेवफाइयों का सफर है बेटा। लाइफ इज वन ऑफ द मोस्ट वेनमस जर्नीज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। लोगों को कायल करना बंद कर, पेरेंट्स को कायल करना बंद कर। एक बड़ा लीडर, एक बड़ा आदमी वो आवाज नहीं करता, तेरी जिंदगी के अंदर तेरे इर्द गिर्द अल्लाह की मखलूक होनी चाहिए जो तेरे हक में मुकदमा लड़े।
अपनी जुबान से लोगों को कायल करेगा। अरे तेरा अपना आप नहीं कायल होगा, तू लोगों को कह रहा है मैं ये कर सकता हूँ, तू लोगों को कह रहा है मेंट फॉर समथिंग थिंग दैट्स नॉट हैपनिंग मैन। लेट द वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स स्पीक्स एंड फाइट योर केस, लड़ने दे कायनात को तेरा मुकदमा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए तुझे बहुत मुस्बत पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग फोकस्ड सेल्फ प्योरिफिकेशन सेल्फ ऑगमेंटेशन नफ्स की पाकीजगी अपने अंदर की सियासत अपने नफ्स की गुलाटियां अपनी परसेप्शनल डिस्टॉर्शंस अपने जज्बात अपने एहसासात अपनी मोहब्बतें अपनी उम्मीद अपना खौफ अपना गुस्सा इसे टोन डाउन करना सीख पुत्र, इसको संभालना सीख और इसको बनाना सीख। आज करेगा तो 20-22 साल में कहीं संभाल लेगा अपने आप।